33 करोड़ देवी देवताओं की वास कहे जाने वाले माउंट आबू में इन दिनों पर्यटकों की भीड़ है। माउंट आबू क्योंकि देवभूमि है और गुजरात की परंपरा रही है कि आधा गुजरात लाभ पंचम तक का तो आधा गुजरात कार्तिक पूर्णिमा तक बंद रहता है और इसलिए वहां के लोग भारी संख्या में माउंट आबू पहुंचते हैं जहां के तीर्थ स्थलों के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। हमारे संवाददाता अनिल एरन ने पर्यटकों से खास बातचीत की, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। माउंट आबू में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं होटल व्यवसायियों को जो है इसका इंतजार रहता है। और आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से पर्यटकों की भीड़ है माउंट आबू? सर अभी ऑलरेडी दीपावली का सीजन शुरू हो चुका है और यहाँ पे मतलब पर्यटकों का एक जो कहते हैं बहुत ही मन पसंदीदा स्थल है माउंट आबू। तो ऑलरेडी यहाँ पे सीजन में फुटफॉल हमारा ऑल ओवर इंडिया से अभी आ रहा है जो कि मतलब दीपावली से लेके दिसंबर जनवरी में कंटिन्यूस चालू रहता है। ये मतलब रश इतना है अभी तो कि मैं क्या बताऊं। थैंक यू वेरी मच। आप बताइए कि किस प्रकार से जो है माउंट आबू एक पसंदीदा स्थल है पर्यटकों का और दीपावली पे कहीं ना कहीं पर्यटक जो है आना नहीं भूलते माउंट आबू से, क्या कहना चाहेंगे आप? गुजराती लोग के लिए आबू इज अ सेकेंड होम और इस बार हमिंग बर्ड में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, भीड़ भाड़ नहीं है जो नक्की लेक पे दिखाई देती है। यहाँ वेरी पीसफुल, वेरी नाइस सर्विस, एंजॉयिंग द स्टे। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस प्लेस हमिंग बर्ड रिजॉर्ट, इट्स सराउंडेड बाय सो मच ग्रीनरी, वेरी पीसफुल, बहुत अच्छा है। माउंट आबू पश्चिम भारत का इकलौता हिल स्टेशन है और कहीं ना कहीं पर्यटक जो है लाखों की संख्या में इस समय आते हैं। दीपावली का सीजन है, किस प्रकार की तैयारियां हैं? दिवाली के सीजन के लिए माउंट आबू का हर होटल हर व्यवसाय पूरी तैयारी करके रखता है और इस साल भी सब लोगों ने अच्छी तैयारी करी है और काफी टूरिस्ट अभी आ रहे हैं। हर साल की भांति इस साल भी काफी टूरिस्ट आ रहे हैं। हमारा खुद का भी चाचा इन रिजॉर्ट है जहाँ पे हम शाम को अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं। पपेट शो है, मैजिक शो है, राजस्थानी लांगा सिंगर्स हैं, जो जितने भी टूरिस्ट की इंटरटेनमेंट के तरीके हैं हम लोगों ने अपनाए हुए हैं। चाचा ग्रुप आबू में बड़ा पुराना है हमारा, चाचा म्यूजियम के नाम से एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है जो 1955 से मशहूर है और चाचा कैफे भी है। इसके अलावा हम प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां करी हुई हैं और हम चाहते हैं कि आबू और भी आगे आए। इसमें लोकल लोगों का भी सहयोग चाहिए और प्रशासन का भी काफी सहयोग मिलता भी है और चाहिए, क्योंकि इन दिनों में छुट्टियां होती हैं तो गुजरात पूरा बंद होता है और यहाँ पे अधिकतर ज्यादातर गुजराती टूरिस्ट इन दिनों में ज्यादा आते हैं। ठीक है, माउंट आबू से अनिल एरन की रिपोर्ट।